हेलो गाइस, आप लोगों का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वेल एडुकेटेड में। आज हम फिर हाजिर हुए एक नई वीडियो के साथ। गाइस, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे एडमिशन के रिगार्डिंग। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, यानी कि जो स्टूडेंट जो कैंडिडेट एडमिशन नहीं ले सके 2020 में कोविड की वजह से, तो इसके लिए इस बार अपॉर्चुनिटी काफी बढ़िया है। काफी यूनिवर्सिटी में एडमिशन जो है जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या उत्तर प्रदेश, यानी जो है इन्होंने यूनिवर्सिटी की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है एडमिशन के लिए, यूजी पीजी और भी बहुत सारे कोर्सेस। इस वीडियो में आपको हम पूरी डिटेल बताएंगे कि कौन कौन से कैंडिडेट कौन से कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसके अलावा इसकी कितनी एप्लीकेशन फीस है, किस बेसिस पे एडमिशन आपकी होगी और इसकी कैंपस क्या है, और जो भी स्टूडेंट फैसिलिटी मिलती है स्टूडेंट के लिए, मतलब कि यूनिवर्सिटी में क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है, पूरी डिटेल में आपको हम बताएंगे किस तरह से आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो किस तरह से आपको लॉग इन करना है। तो चलिए, इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। गाइस, सबसे पहले हम आपको बता दें कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का ये जो है ऑफिशियल वेबसाइट है, जो कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट लिंक के वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। गाइस, जैसे ही आप यहाँ पे सर्च करोगे अपने मोबाइल या लैपटॉप जो भी आपके पास अवेलेबल है, तो आप यहाँ पे देख लेना। इसमें मैं आपको बता दूं कि एडमिशन 2021 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें अंडर ग्रेजुएट जैसे कि बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स में एडमिशन ले सकते हो, बीकॉम बीएससी बीसीए बीएड एंड बीबीए बीटेक अदर पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हो, लाइक सच एस एमए एमकॉम एलएलएम एमपीएड एंड अदर वेरियस सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा कोर्सेज के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा भी और बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है। आपको मैं गाइस बता दूं कि इसमें जो है एप्लीकेशन बिगिन जो है शुरू 6 जून से हो चुकी है और लास्ट डेट जो है 15 जुलाई 2021 को रखा गया है। इसकी जो है एग्जाम डेट अभी तक कन्फर्म नहीं है, ये जो है क्लियर नहीं किया गया है कि कब इसकी जो है, बहुत सारे एग्जाम जो है एंट्रेंस बेसिस होती है और बहुत सारे जो है कोर्स में एडमिशन के लिए आपके मेरिट बनाए जाते हैं। तो चलिए हम पूरी डिटेल में देखते हैं कि कौन से कोर्स के लिए क्या क्या है। तो ये जो है आप ऑफिशियल वेबसाइट सर्च करोगे, यहाँ पे देख रहे हो यूनिवर्सिटी का ये फ्रंट पेज है, आप यहाँ से देख लेना। कैंपस एडमिशन 2021 है, यहाँ पे पीएचडी एडमिशन 2020 है, ये आपको नहीं क्लिक करना है। यहाँ पे कैंपस काउंसिलिंग 2021 जो कि आपके लिए ऑलरेडी मैंने पहले से ये न्यू टैब ओपन कर रखा था ताकि जो है वीडियो लॉन्ग ना हो और आपको पूरी बात समझ में आए। ये देखो एडमिशन नोटिफिकेशन 2021-22, यानी यहाँ पे देख रहे हो फ्रंट पे ही है। स्टार्ट डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन 4 जून 2021 से स्टार्ट किया गया है और इसके लास्ट डेट जो है यूजी के लिए 15/7/2021, यानी कि 15 जुलाई के अंदर अंदर आपको जो है ऑनलाइन अप्लाई कर देना होगा। इसके अलावा जो कैंडिडेट यूजी कर रखे हैं और कर चुके हैं और पीजी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनके लिए 15 जुलाई 2021 रखा गया है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ डेट फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन रिजल्ट फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन काउंसलिंग, यानी कि बहुत सारे जो है एंट्रेंस बेसिस पे होते हैं और बहुत सारे जो है, चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं आर्ट्स फैकल्टी, यानी कि आर्ट्स स्टूडेंट जो है किन कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि बीफीए यानी कि बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स में जो है आप अप्लाई कर सकते हो, प्रोफेशनल कोर्स कहलाता है। बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन बीपीएस, बैचलर ऑफ लेबोरेटरी इंफॉर्मेशन साइंस, बैचलर ऑफ सोशल वर्क बीएसडब्ल्यू एंड बीए इन जेनोलॉजी बीए ऑनर्स। इसके अलावा यहाँ पे देखो पीजी रेगुलर कोर्सेस है जो कि एमए इन इकोनॉमिक्स में आप कर सकते हो, एमए इन हिस्ट्री। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, एक एक कोर्स को बताना, ये वीडियो जो है काफी लेंथी हो जाएगी गाइस, इसलिए यहाँ पे नोटिफिकेशन का जो है मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप डायरेक्टली वहां से जो है डाउनलोड करके अपने मोबाइल में भी देख सकते हो। और आपको तो पता है कि किस कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हो, कौन से कोर्स आप ऑलरेडी पहले कर चुके हो, तो यहाँ पे आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग। इसके अलावा हम थोड़ी सी बात करते हैं यूजी कोर्सेज, जैसे कि यहाँ पे बैचलर ऑफ साइंस बीएससी है, बीएससी मैथ्स यानी कि फिजिक्स मैथमेटिक्स पीसीएम कह सकते हैं, और इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस में भी आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो फॉर्म। इसके अलावा यहाँ पे बीएससी बायो है, जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी एनवायरमेंटल साइंस बायोकेमिस्ट्री जूलॉजी बोटनी एंड बायोटेक्नोलॉजी, इसके साथ जो है बीसीए के लिए भी अप्लाई कर सकते हो जो ऑलरेडी कंप्यूटर लाइन में जाना चाहते हैं, बीसीए के बाद एमसीए भी कर सकते हो। सिमिलरली यहाँ पे देखो ये आर्ट्स कैंडिडेट वालों के लिए यहाँ पे बनाई है और ये यहाँ पे साइंस फैकल्टी वालों के लिए, यानी कि जो साइंस बैकग्राउंड से जो स्टूडेंट आते हैं उनके लिए यहाँ पे पीजी, देखो पीजी जो है पीसीएम यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में कर सकते हो,
और इलेक्ट्रॉनिक्स माइक्रोबायोलॉजी, तो आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग। इसके साथ ही यहाँ पे कुछ कॉमर्स फैकल्टी के लिए भी है, जैसे कि बीबीए कर सकते हैं, बीकॉम भी कर सकते हैं। इसके बाद अगर पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो एमबीए इन फाइनेंस कंट्रोल, एमबीए इन एग्री बिजनेस, तो आप अपनी अकॉर्डिंग देख लेना गाइस। यहाँ पे पूरी डिटेल में कोर्स के साथ साथ डिप्लोमा कोर्स भी है, वोकेशनल कोर्स भी है, सर्टिफिकेट कोर्स भी है, अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट वगैरह भी इसमें सभी इंक्लूड है। और इसके साथ ही अदर प्रोफेशनल यूजी पीजी कोर्सेज इन यूनिवर्सिटी एंड अफिलेटेड कॉलेज, यानी जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से जो है इस यूनिवर्सिटी से जो कॉलेज अफिलेटेड है वहाँ भी इस तरह के कोर्सेज यहाँ पे कुछ अवेलेबल है, जो कि यहाँ पे नोटिस यहाँ पे दे दिया गया है, जैसे कि एमपीबीएड, एमपीएड, बीपीएड और इसके साथ ही एमएड, जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में आते हैं। और यहाँ पे देखो डिप्लोमा इन फार्मेसी, बैचलर इन फार्मेसी, तो आप ये जो है नोटिफिकेशन दो पेज का जरूर देखना। और कहीं पे भी कंफ्यूजन हो, कहीं पे भी आपको डाउट लगे, समझ में नहीं आए, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके हमें बताएं। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 21 बैच का जो है किस कोर्स में कितने सीट्स अवेलेबल हैं और इसकी जो है फीस क्या होगी, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसकी क्राइटेरिया क्या रखा गया। तो मैं अब आपको बता दूं, यूजी कोर्स के लिए यहाँ पे फ्रंट पे दिया गया है, जो कि मैं यहाँ पे थोड़ी से यहाँ पे ये दिखा दे रहा हूँ। ये देखो सिलेक्ट करके यहाँ पे बीपीए जो है इसमें 60 सीट्स हैं, जो कि 4 इयर्स 8 सेमेस्टर होंगे, 4 इयर्स के कोर्स हैं, और इसकी जो है फीस जो है 24,600 रुपए लगेंगे। इसके लिए एलिजिबिलिटी इंटरमीडिएट होना चाहिए, 10+2 यानी कि क्वालिफाई होना चाहिए, आप पास हो चुके हो तभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे कोर्स आप देख लेना। इसके बाद हम थोड़ी सी बात करते हैं साइंस फैकल्टी की। साइंस में जैसे कि मैं बात करता हूँ बीएससी, अगर कोई बंदा मैथ्स करना चाहता है या केमिस्ट्री से या फिर कंप्यूटर साइंस, तो उसके लिए भी यहाँ पे 150 सीट्स हैं, 3 इयर्स के ड्यूरेशन है इनकी कोर्स है और 6 सेमेस्टर लगेंगे और 24,600 रुपीस इसमें फीस लगेगी पर ईयर, फर्स्ट ईयर में आपको लगेगी। उसके बाद जो है एलिजिबिलिटी इसमें होने चाहिए 10+2 विद फिजिक्स मैथमेटिक्स मिनिमम 50% मार्क्स, यानी आपके 50% मार्क्स कंपलसरी है, अगर इससे बिलो है तो आपकी एडमिशन लेने में परेशानी आ सकती है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे। यहाँ पे देखो कॉमर्स फैकल्टी के भी सिमिलरली सेम एकदम चीज यहाँ पे भी अप्लाई किया गया है, सभी कोर्स के साथ साथ यहाँ पे सीट्स अवेलेबल है, ड्यूरेशन है, कितनी फीस है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो इसके भी जो लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा गाइज, आप वहां से भी देख सकते हो, या अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप अपने ऑफिशियल वेबसाइट भी लॉग इन करके देख सकते हो। यहाँ पे देखो एम ए इन उर्दू, सॉरी एम ए इन हिंदी, इंग्लिश, सिंधी, एम ए इन जेनोलॉजी, सोशियोलॉजी, ड्राइंग एंड पेंटिंग, तो आपको तो पता है कि किस कोर्स में एडमिशन लेना है, किस कोर्स के लिए, किस प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई करोगे, तो आप यहाँ पे देख लेना गाइज। ये जो है 8 पेज का नोटिफिकेशन है, ये पूरा शेड्यूल दिया गया है, एलिजिबिलिटी, ड्यूरेशन, फीस ऑफ रेगुलर एंड सेल्फ फाइनेंस कोर्स। इसके बाद हम बात करते हैं थोड़ी सी कि आप किस तरह से एप्लीकेशन जो है अप्लाई करोगे। आपको मैं गाइस बता दूं कि सबसे पहले आपको जो है यहाँ पे क्या करना है, देखो यहाँ पे एडमिशन नोटिफिकेशन तो हम लोग बात कर लिए हैं, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बात कर चुके हैं। सबसे पहले आपको क्लिक ऑन प्री रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, जो कि यहाँ पे फर्स्ट में प्री रजिस्ट्रेशन फॉर फी पेमेंट, सबसे पहले आपको फी पेमेंट करना होगा, उसके बाद ऑनलाइन फी पेमेंट करना है, फिर उसके बाद कंप्लीट एंट्रेंस फॉर्म यानी कि जो आपका फॉर्म है और इसके साथ ही ट्रांजेक्शन आई डी, रजिस्ट्रेशन आई डी फिल करना है पेमेंट के बाद, जो कि आपको जैसे ही पेमेंट करोगे आप जनरेट आपका जो है ईमेल आई डी पे मे भी हो सकता है कि आपका जो है मैसेज पे भी आ जाए। मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, उसमें मैं फॉर्म अप्लाई करके दिखाऊंगा कि किस तरह से आपको अप्लाई करना है, फिलहाल इस वीडियो में हम पूरी इसकी डिटेल में बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो है फिल इंपॉर्टेंट डिटेल्स यहाँ कर सकते हो, लॉग इन यहाँ पे, फिर देख रहे हो फाइनल सबमिट करना है, उसके बाद एक प्रिंट आएगा जो आपको एज अ फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपको रखना है। अगर आप आपकी जो है एंट्रेंस बेसिस पे कोई आप सपोज एंट्रेंस बेसिस पे एग्जाम दिए हो, फिर आपका एडमिशन के समय हो सकता है मे बी यूनिवर्सिटी आपसे वो फॉर्म जो है वहाँ पे मांगा जाए, इसलिए एज अ रेफरेंस फ्यूचर आपको रखना होगा। और यहाँ पे ये देखो न्यू टाइप जो है, ये देखो एप्लीकेशन फॉर्म है 2021 के, यहाँ पे नेम ऑफ कैंडिडेट, फर्स्ट नेम लिखना है, फादर्स नेम लिखना है, उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, सब कैटेगरी क्या आता है आपका, उसके बाद जेंडर मेल या फीमेल, डेट ऑफ बर्थ अपना लिखना है, मोबाइल, एक्टिव मोबाइल नंबर जो आप यूज करते हो, डेट ऑफ, उसके बाद ईमेल आईडी लिखोगे, नेशनलिटी इंडियन, यहाँ पे आधार नंबर करोगे, ब्लड ग्रुप, इसके बाद जो है कोर्स टाइप, कोर्स नेम, और यहाँ पे रिजल्ट ऑफ एलिजिबिलिटी, इसके बाद जैसे ही आप फिल करोगे कोर्स वगैरह आप सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे एप्लीकेशन फीस आ जाएगी।
और इसके बाद जो है आपको सबमिट कर लेना है, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह फिर जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं एक ये लास्ट दिखा देता हूँ, प्री रजिस्ट्रेशन फॉर फी पेमेंट, आपको देखो सेम चीज आया है। तो यहाँ पे ये दोनों चीज अप्लाई कर लेना गाइस। और हाँ, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं गाइस कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आप इस चैनल पे हो पहली बार तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। फिर हम मिलते हैं गाइस एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया और